Hyderabad International School CBSc plus exceed syllabus, which is followed in eight countries, modern plus Islamic education, five step activity based and play way method, launching separate branches for girls at Mughal. वालेकुम नाजरीन आप सबका खैर मकदम है एटीन तेलंगाना न्यूज़ पर आज 16 अगस्त मंडी का दिन है आइए नाजरीन देखते हैं इंटरनेशनल और नेशनल के खास खबरें तालिबान ने काबुल के शहर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है संडे के दिन अब तालिबान अफगानिस्तान पर मुकम्मल कब्जा करने जा रहा है तालिबान के लोग ने प्रेसिडेंशियल पैलेस में दाखिल होकर इस्लामिक एमरेट ऑफ अफगानिस्तान का ऐलान किए तालिबान दाखिल होने से पहले प्रेसिडेंशियल पैलेस में अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी अफगानिस्तान के लोग और अफगानिस्तान के शहर को छोड़कर जान बचाते हुए फरार हो गए एक खौफनाक मंजर देखने मिल रहा है अफगानिस्तान से जहां काबुल एयरपोर्ट पर तीन शख्स एयरप्लेन के टायर पर लटके हुए थे जब प्लेन टेक ऑफ हुआ तो वो लोग आसमान से गिर गए वहां मौजूदा शख्स ने बताया कि ये तीन लोग घरों के छत पर गिर गए और गिरने के दौरान खौफनाक आवाज़ें किए अमेरिका की फ़ौज काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हालात को ख़ाबू में करने की कोशिश कर रही है अफ़गानिस्तान में रहने वाले लोग तालिबान के गैर कानूनी कब्जे के बाद अफगानिस्तान पर लोग एयरपोर्ट के ज़रिए दूसरे देशों में इमरजेंसी लैंडिंग कर रहे हैं यूएस की फ़ौज एयरपोर्ट्स की हिफाजत कर रहे हैं ताकि अमेरिकन और दिगर लोगों को वहाँ से निकाला जाए दूसरे कंट्रीज के फ़ौज जैसे यूके की फौज भी शामिल हो गई हैं एयरपोर्ट की हिफाजत करने और इस ऑपरेशन को कामयाब बनाने वाज़ नाजरीन तकरीबन कमर्शियल फ़्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया गया है हालातों को देखते हुए सवो की तादाद में अफगानिस्तान के रहने वाले लोग और दिगर शहरी अफगानिस्तान से निकलने की कोशिश कर रहे हैं चाइना ने इन हालातों को देखते हुए कहा कि चाइना ऐसा पहला देश बन गया जहां अफगानिस्तान पर गैर कानूनी तालिबान के कब्जे को मंजूर कर लिया है और चाइना ने कहा की तालिबान के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाएंगे इंडिया भर में पिछले 24 घंटों में बत्तीस नए कोविड 19 केसेस दर्ज किए गए और 417 लोग की मौत वाकई हुई पिछले 24 घंटों में इंडिया में तीन लाख इक्यासी हजार नौ सौ सैतालीस एक्टिव केसेस कोरोना के हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कहा मंडे के दिन मार्च 2020 से एक्टिव केसेस कम दर्ज किए जा रहे हैं फिलहाल इंडिया भर में एक एक्टिव केसेस है जो की कम है कोरोना वायरस की दूसरी लहर के एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए आने वाले कोरोना वायरस की तीसरी लहर के लिए तैयारियां की जा रही हैं हेल्थ मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है कि 7200 करोड़ रुपए या 50 फीसद सेंटर का शेयर तेवीस करोड़ रुपए इमरजेंसी पैकेज का ऐलान किया जाएगा जुलाई में बीजेपी वालों के हमले के बाद नेहरू पर कर्नाटका कांग्रेस ने वाजपेयी को हैवी ड्रिंकर से बुलाया ये बहुत ही शर्मनाक बात है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी की बेजती की जा रही है उन्हें हैवी ड्रिंकर के नाम से बुलाया जा रहा है नेशनल लीडर्स कर्नाटका के बीजेपी के रूलिंग लीडर्स और कांग्रेस लीडर्स फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पर कमेंट्स करके अपनी हदें पार कर दी यूएस फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि जॉय बाइडेन अब प्रेसिडेंट की गद्दी से उतर जाना चाहिए अमेरिका के क्योंकि जॉय बाइडेन की ऑर्डर्स की वजह से अफगान की हुकूमत तबाह हो गई और तालिबान आतंकवादी लोग गैर कानूनी कब्जा किए हैं अफगानिस्तान के काबुल सिटी में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज इंडियन एथलीट से खास मुलाकात की जो ओलंपिक्स में हिस्सा लिए थे इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपना वादा मुकम्मल करते हुए बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु के साथ आइसक्रीम खाए और हर खिलाड़ी के साथ सेल्फी लिए और ख़ास गुफ्तू किए